आकाशवाणी जम्मू ऐ आलम खान हकला ते खबर सुनो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफों कौमी पंचायती राज दिहाड़ो 2022 मनान वास्ते जम्मू कश्मीर ने चुनन वास्ते वजीरी आजम नरेंद्र मोदी देही तरक्यात ते पंचायती राज का मरकजी वजीर गिरिराज सिंह को शुक्रियो अदा कियो है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीरी आजम को यो दौरो तारीखी ते बेमिसाल वेगो जित वे जम्मू कश्मीर के लोगों ते पूरे मुल्क की ग्राम सभा नाल खिताब करेगा। उन्होंने कहा कि बख बख सैक्टर में 4 लाख ते मता रोजगार पैदा करने का मौका बिलावास्त और बिलवास्त पैदा किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में आइंदा 4 बरह में बिजली सलाहियत दुगुनी करने वास्ते वजीरी आजम 800 मेगावाट रेटल पावर प्रोजेक्ट ते 540 मेगावाट केवर हाइड्रो प्रोजेक्ट को संगे बुनियाद रखेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जानकारी दी है कि वजीरी आजम मोदी 5 एक्सप्रेसवे को भी संगे बुनियाद रखेगा, नाले बनिहाल काजीगुंड टनल को भी इफ्तिताह करेगा। वजीरी आजम का दफ्तर में मरकजी वजीरी ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछले तिहाड़ा जिला सांबा की पल्ली पंचायत को दौरों किया है। उत नवा कायम किया गया शमसी प्लांट का ट्रायल रन को मुआयनों किए हुए। इसके अलावा उन्होंने उत बख बख महकमा की तरफों नमाइशी स्टॉल लाने का इंतजाम को भी जायजा लिया हुआ है। इस मौके पर बोलता हुआ वजीर मौसूफ ने कहा कि इस सोलर प्लांट का इतकाम करने नाल ग्रां का 340 कराना कार्बन ते पाक बनाया जा सकेगा। उन्होंने दस्सिया कि 500 किलोवाट को यो सोलर प्लांट जेड़ो के जिला सांबा की पल्ली पंचायत में कायम कियो गयो है, इसने एक रिकॉर्ड वेला में तैयार कियो गयो है ते हुन यो इत काम करन वास्ते पूरा तरीका नाल तैयार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जेरे क्यादत में जम्मू कश्मीर सरकार ने इत कालसरियां का कारोबार न बादो देन वास्ते एक ऐसो हौसला अफजा और खुशनुमा माहौल कायम कियो है, जिस नाल हजारों की तादाद में कालसरियां ने एक नवा जोश और वलवला नाल अपनो कामकाज शुरू किए हुए। जम्मू कश्मीर तर्ज जिंदगी मिशन कालेसरियां की जिंदगी बदलन में काफ़ी अहम साबित हुए है, जिसमें जम्मू कश्मीर में 60,000 अपनी मदद आप ग्रुप कायम किया गया है, जिसमें 5,02,641 कालेसरी जुड़ी हैं। देही तरक्यात पंचायती राज महकमा की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने पिछले तिहाड़े जिला जम्मू की आरसपुरा ब्लॉक की गीगियां ग्राम पंचायत में वर्चुअल तरीके नाल जम्मू कश्मीर का पहला गोबर्धन प्लांट को इफ्तिताह किया है, जिसना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत तामीर किया गया है। यो प्रोजेक्ट इत 15 लाख रुपये की लागत नाल तैयार किया गया है। इस प्लांट नाल इत HDPE पाइपों के जरिए भी कराना जोड़ियो जाएगो ते मुस्तकबिल में इस नाल आंगनवाड़ी मरकजन से स्कूलों ना भी जोड़ियो जाएगो। इस प्रोजेक्ट ना इत शुरू करन को मकसद इन ग्रायां में गोबर जमा करन को एक ठिकानो फराहम करनो है, जिसते पैदा होने वाली गैस ना करा मा खानों पकान वास्ते इस्तेमाल की जा सकेगा, खुद नाले खाद जमीन में इस्तेमाल की जा सकेगी। स्कूली तालीम महकमा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह ने पिछले तिहाड़े विजयपुर जोन का सरकारी हाई स्कूल पल्ली को एक दौरों की हुआ, जित उन्होंने स्कूल का कामकाज को जायजो लियो ते उत स्कूल कैंपस में किया जा रहा मरम्मती कम को मुआयनों की हुए। इस दौरान उन्होंने स्कूली अमला ते तालिब इल्मा नाल भी मुलाकात की है ते स्कूल की बख बख शाखा का कामकाज को भी जानकारी हासिल की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने स्कूली अमला ना मशवरा देते हुआ कि वो अपनों पढ़ान को अमल मजीद दोस्ताना बनावे, नाले उन्होंने स्कूली तालिब इल्मा ते अमला ना कहा कि वे कोविड ते बचन वास्ते तमाम एहतियाती चार अमर अमल करें। सरकार ने दस्सी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले तिहाड़े नोवल कोरोना वायरस का 9 नवा मुस्बत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 5 मामला खिता जम्मू थे जबकि 4 मामला वादी कश्मीर थे मुस्बत पाया गया है। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना का कुल मामला की गिनती 453,955 हो गई है। इसके अलावा 12 होर कोरोना मुतासर मरीज बख बख हस्पताल तिबल हो गए अपना घर भी चले गए हैं। कुल मुस्बत मामलों में इस वे मुल्क में 64 मुतहरक मुस्बत मामले हैं। 4,49,140 मरीज बल हो चुके हैं, जबकि 4,751 अफराद की मौत भी वाक हो चुकी है, जिसमें 2,328 मरीजों को ताल्लुक खिता जम्मू जबकि 2,403 मरीजों को ताल्लुक वादी कश्मीर संघ थो। शुमाली कश्मीर का जिला कपवाड़ा का करना इलाका में सलामती दस्तों की तरफों चलाई गई एक तलाशी मुहिम में हथियारों ते गोली सिक्का की एक खेप बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक कपवाड़ा पुलिस ने फौज नाल मिल गई या खेप बरामद की है, जिसमें 10 पिस्तौल 17 पिस्तौल मैगजीन 54 पिस्तौल राउंड ते 5 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकत शुरू कर दी है। मजीद तफसील की अजा उड़ीक है। दही तरक्यात महकमा ते पंचायती राज महकमा की तरफों पिछले तिहाड़ा पूरा रामबन जिला में एक साफ सफाई की मुहिम चलाई गई है। यह सफाई मुहिम इत ग्राम स्वराज महीना के तहत चलाई गई थी। इस दौरान उत कई तरह की दूजी सरगर्मी भी मुनक्कद हुई हैं। ब्लॉक तरक्यात ऑफिसर बटोत ने मुलाकात को एक सेशन भी मुनक्कद किया, जिसमें उन्होंने यूथ क्लब अपनी मदद आप ग्रुप ते तालिब इल्मा नाल मुलाकात की ते उन्ना सरकार की बख बख स्कीमा ते रोजगार पैदा करने की स्कीमा बारे दसे हुए। इस दौरान ग्राम स्वराज मिशन के तहत कर जा गए लोगों साफ सफाई की अहमियत बारे दस्योग्य हुए। इसके नाले गोजरी में खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।